हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी। टुडे आई विल टीच नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द चैप्टर ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है और उसके ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि उसके अंदर किस तरह के एमसीक्यू आते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का चलता है पहला मतलब हम लोग को चैप्टर है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन। चैप्टर का नाम ही है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो एटमॉस्फियर में नाइट्रोजन 70% के ऊपर होता है, 70-75% पाया जाता है। एटमॉस्फियर में नाइट्रोजन 70-75% पाया जाता है। इस नाइट्रोजन को, मतलब ये जो नाइट्रोजन है जो N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है, जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स इन द फॉर्म ऑफ NO3- फिक्स इन द फॉर्म ऑफ NO3- कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या हो गया कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है किसमें, NO3- के फॉर्म में फिक्स किया जा रहा है। क्यों NO3- के फॉर्म में फिक्स किया जा रहा है, क्योंकि NO3- ही एक ऐसा फॉर्म है जिसको क्या करता है, प्लांट अपटेक कर लेता है। मतलब आपको कहते हैं ना कि ग्लूकोज खाओ, तो ग्लूकोज खाते हो, तो ग्लूकोज खाने के लिए ग्लूकोज कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे तो है नहीं कि हवा से ग्लूकोज खाते हो। तो होगा क्या कि जो ग्लूकोज खाने के लिए आप प्लांट का यूज़ करते हो, यहाँ पे प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। पहले प्लांट को अपटेक करने के लिए NO3 चाहिए, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा NO3 के फॉर्म में। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखते क्या है, ये टू स्टेप प्रोसेस है। तो टू स्टेप प्रोसेस में देखने को क्या मिलता है कि पहला प्रोसेस जब हम लोग देखते हैं इसमें, तो देखने को क्या मिलता है, अमोनिफिकेशन। इसको नोट कर लो कहीं। दूसरा हो गया नाइट्रिफिकेशन। ध्यान रखना हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ना कि नाइट्रोजन साइकिल की, ठीक है। क्योंकि देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि N2 फिक्स हो रहा है NO3 के फॉर्म में, है ना। और जब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं तो N2 जो फिक्स हुआ है NO3 के फॉर्म में, यही वापस N3 वापस किस में चला जाता है, N2 के फॉर्म में। इसको बोलते हैं साइकिल, मतलब साइकिल हो गया ना, एक पर्टिकुलर साइकिल, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन एंड सेकेंड प्रोसेस नोन एज नाइट्रिफिकेशन। तो फर्स्ट प्रोसेस, पहला जो प्रोसेस है जिसके लिए हम लोग बात करते हैं अमोनिफिकेशन की, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ NH3, ठीक है, मतलब अमोनियम कन्वर्ट हो गया। अमोनिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दैट इज N2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना क्या मिल रहा है, N2 फिक्स हो रहा है किसमें, NH3 के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में। देन दूसरा स्टेप क्या देखने को मिलता है, नाइट्रिफिकेशन देखने को क्या मिलता है कि NH3 फिक्स इन द फॉर्म ऑफ NO2-, देन NO2- फर्दर फिक्स इन द फॉर्म ऑफ NO3-। तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप प्रोसेस में होता है और ये दो स्टेप प्रोसेस में होता है। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, जैसे NH3+ NH3 जो है कन्वर्ट होता है NO2- के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया यूज होता है, उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। और NO3 बनने के लिए, जो NO2 से NO3 बन रहा है, उसमें देखो क्या मिलता है, नाइट्रोबैक्टर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि नाइट्रिफिकेशन में NH3 से NO2- में बनता है, जब NO2- जब बनता है तो उस समय कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो वहाँ पर नाइट्रोसोमोनास यूज होता है। और जब हम लोग देखते हैं कि NO2 से NO3 बनता है, तो वहाँ देखने को क्या मिलता है, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो ये दो बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, ठीक है।
तो ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अब ये क्या हो गया, NO3 माइनस जो बना है, NO3 माइनस, ये NO3 माइनस इसको प्लांट अपटेक करता है, प्लांट अपटेक करता है बाय रूट। ध्यान दो, नाइट्रोजन एयर में था, है ना, नाइट्रोजन कहाँ था, एयर में, नाइट्रोजन एयर में था और NO3- माइनस कहाँ है, सॉयल में है, ठीक है। तो सॉयल से अपटेक करता है बाय रूट, रूट के थ्रू प्लांट अपटेक करता है, ठीक है, पहला कंडीशन समझ में आया। और जो अपटेक करता है वो कौन सा अपटेक होता है, इसको बोलते हैं एक्टिवली और पैसिवली, एक्टिवली अपटेक करता है, एक्टिवली मतलब यूज़ करने में क्या लगेगा, एनर्जी यूज होगी, एनर्जी लगेगी, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ टर्म्स हैं, तो देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ बैक्टीरिया का नाम आया ना, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में दो तरह से होते हैं, एक तो होता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें देखने को क्या मिलता है कि जो बैक्टीरिया, जो मतलब जब भी बैक्टीरिया क्या करेगा, फिक्स करेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NO3 की फॉर्म में, तो अकेले फिक्स कर देगा, किसी और के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा क्या होगा, सिम्बायोटिक मतलब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्रमोट करते हैं और उससे दोनों को बेनिफिट होता है, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, जो हम लोग पढ़े भी थे। तो हम लोग देखेंगे फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, दूसरा देखने को क्या मिलता है एनाबेना, इसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट है नॉस्टॉक, नेक्स्ट है एजेटोबैक्टर, नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। ध्यान रखना इसमें जो एजेटोबैक्टर है, एजेटोबैक्टर ये होता है आपका एरोबिक, ठीक है, और ये होता है एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो गैस जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको एरोबिक बोलेंगे, और जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है उसको एनारोबिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होता है, और क्लॉस्ट्रीडियम वहाँ पे सर्वाइव करता है जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। ऑक्सीजन जैसे ही पाएगा वो बैक्टीरिया मर जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ टॉक्सिक एलिमेंट फॉर क्लॉस्ट्रीडियम। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक के केस में देखते हैं, सिम्बायोटिक के केस में कौन कौन से बैक्टीरिया वहाँ पे होते हैं, तो सिम्बायोटिक हम लोग यहाँ लिखते हैं नीचे की तरफ, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है, पहला देखते हैं, इसमें एक है आपका कि जैसे हम बात करेंगे, जैसे एक है बैक्टीरिया राइजोबियम, ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, है ना, लेकिन किसके साथ, विथ लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट उसको बोलते हैं जो दाल वाली फसलें होती हैं, जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं, जैसे चना की दाल हो गया, है ना, अरहर की दाल हो गई, इन सब मतलब उन सब की बात करते हैं, लेग्यूम प्लांट जो चना की दाल है, जैसे ग्राम्स जितने भी होते हैं उन सब में, उन सब को बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। तो राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया, लेग्यूमिनस इज अ प्लांट, दोनों अलग अलग तरह की स्पीसीज हैं, दोनों अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन दोनों मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्रमोट करते हैं जिनका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा लेके चलते हैं फ्रेंकिया किसके साथ करता है, फ्रेंकिया करता है डाइकॉट प्लांट के साथ मिलकर क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, है ना। थर्ड है आपका कौन सा, एजोस्पोरिलियम ये किसके साथ करेगा, ये करता है आपका सीरल के साथ, ये ग्रास होती है एक तरह की, ठीक है, ये एक तरह की क्या होती है, ग्रास। तो हम लोगों ने देखा कि
नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब हो गया कि फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ NO3-, ठीक है। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ टू स्टेप प्रोसेस, फर्स्ट इज अमोनिफिकेशन एंड अनदर विल बी नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ NH3। एंड नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन का मतलब हो गया कि NH3 कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ NO2- एंड NO2- फर्दर कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ NO3-, ठीक है। इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस, दो स्टेप प्रोसेस होता है। पहला होता है नाइट्रोसोमोनास, पहला बैक्टीरिया कौन सा यूज होता है, नाइट्रोसोमोनास, पहला कौन सा यूज होता है, नाइट्रोसोमोनास ये वाला, फिर दूसरा देखने को क्या मिलेगा, नाइट्रोबैक्टर। ये इतने छोटा सा पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछ लिया था, इसका MCQ देख लेते हैं एक बार। इसके MCQ में देखते हैं कि इसमें पूछा जाता है कि फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए। फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम कौन कौन सा अभी लिखा था मैंने, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, साइनोबैक्टीरिया है, नॉबिना है, नॉस्टॉक है, एजिटोबैक्टर है ना, और क्लॉस्ट्रीडियम है, ये सभी होंगे फ्री लिविंग। और पूछ लिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ कौन से होते हैं, तो राइजोबियम हो गया, ठीक है, जो किसके साथ करता है, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, फ्रैंकिया होता है डाइक्लॉट प्लांट के साथ, ठीक है, एजोस्पोरिलियम होते हैं, ये होता है ग्रासेस के साथ, सिजल ग्रासेस जो होते हैं उसके साथ। तो MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राइजोबियम वाला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, राइजोबियम का पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया, तो ऑप्शन कौन सा होता है, राइजोबियम, ठीक है, कौन सा होगा, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि MCQ में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लेग्यूमिनस प्लांट, तो भी कौन आएगा, राइजोबियम, मतलब राइजोबियम से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। फिर पूछ लिया जाता है फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज आर बिहेव लाइक एनारोबिक कंडीशन, जो किसके में बिहेव करता है, अपना प्रॉपर्टी शो करता है एनारोबिक कंडीशन में, दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम, उसके लिए आंसर कौन जाएगा, क्लॉस्ट्रीडियम। तो इस तरह के MCQ आते हैं जिसमें अभी हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यदि समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो भी क्वेश्चन है आप उसको कमेंट में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी।